Assalamu alaikum friends, my name is Noor Shah, I am here to teach you. Today we learn about stoichiometry. आज हम अपनी केमेस्ट्री की फर्स्ट ईयर की जो हमारी न्यू बुक है केमेस्ट्री की उसका हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे स्टोकियोमेट्री। तो स्टोकियोमेट्री बहुत ज़्यादा आसान हमारा फर्स्ट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बिल्कुल आपको बोर नहीं करेगा ये चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो अगर मैं आपको ये इसकी इंट्रोडक्शन करवाऊँ तो मैं आपको पहले ये रेकमेंड करूँगा कि आप मेरे लेक्चर को फुल कंसंट्रेशन के साथ देखें, तो इंशाल्लाह आपके सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवा दूँगा, इस चीज़ की मैं आपको इसको गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं स्टोकियोमेट्री की, स्टोकियोमेट्री जो वर्ड है, एक स्टोकियो निकला है स्टोकियन से और मैट्री निकला है मेट्रोन से, ठीक है। तो स्टोकियन का मतलब है एलिमेंट और मेट्रोन का मतलब है मेजरमेंट, ठीक है। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, हम मेजरमेंट करेंगे किसकी, बिल्कुल सही कहा, एलिमेंट की, एलिमेंट की हम इसके अंदर मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, एलिमेंट्स की मेजरमेंट्स करते हैं किसके अंदर, एक बैलेंस केमिकल इक्वेजन के अंदर, एक बैलेंस केमिकल इक्वेजन के अंदर हम मेजरमेंट करते हैं एलिमेंट्स की, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे एक तरफ आपके रिएक्टेंट आपस में मिल रहे हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनते हैं ना केमिकल इक्वेशन के अंदर, मिसाल के तौर पर अगर रिएक्टेंट में तकरीबन 3 मोल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में भी 3 मोल्स ही बनने चाहिए और ये 3 मोल ही बनेंगे, यानी जितनी अमाउंट, जितना अमाउंट रिएक्टेंट का होगा उतना अमाउंट ही किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा, ठीक है। उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, बिल्कुल सेम अमाउंट होगा, और यही चीज़ें हम पढ़ते हैं किसके अंदर, स्टोकियोमेट्री के अंदर। तो ये इनों के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है, यही हम पढ़ते हैं स्टोकियोमेट्री के अंदर, ठीक है। तो मैं अभी इसकी डेफिनेशन के हवाले से बात करूँ तो हम ये कह सकते हैं स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ केमिकल इक्वेजन बाय यूजिंग अ बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। और अगर मैं ये लिखूँ डेफिनेशन तो स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेजन, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन ऐसे बनेगी कि स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेजन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने वही बात बताई कि हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप किस किस का, क्वांटिटेटिव यानी मकदारी ताल्लुक किस किस का, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का करते हैं, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, यानी रिएक्टेंट के मोल जितने इस तरफ हम रिएक्ट करेंगे मोल और हमारे पास प्रोडक्ट भी फिर उतने ही बनेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन लिखता हूँ, एक केमिकल रिएक्शन करवाता हूँ, जैसे CH4, ठीक है, और हम यहाँ 2 मोल ले लेते हैं ऑक्सीजन की, O2, ठीक है, 1 मोल किसका है, मीथेन का, और 1 मोल है ऑक्सीजन का। जब ये आपस में मिलेंगे, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ें बनेंगी, एक कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर के बनेंगे, 2 मोल वाटर के बनेंगे, ठीक है। यानी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो मीथेन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर का
वाटर के दो मोल्स बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें मीथेन का कितने मोल्स थे, मीथेन का एक मोल था, कितने मोल थे, एक मोल था, ठीक है, वन मोल। ऑक्सीजन के कितने मोल थे, ये कितने मोल है, टू मोल्स, कितने, टू मोल्स, ठीक है। तो ये टू और वन कितने हो गए, थ्री, यानी टोटल हमारे पास रिएक्टेंट में कितने मोल है, थ्री मोल है। और यहाँ पर फिर प्रोडक्ट में हमारे कितने मोल बन रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक मोल है, ठीक है, और यहाँ वाटर के कितने, दो मोल, ठीक है। यहाँ पर भी एक और दो कितने हुए, तीन, यानी यहाँ पर भी तीन मोल, यहाँ भी तीन मोल। तो यही क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं किसके अंदर, स्टोक्योमेट्री के अंदर। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, यही हम स्टोक्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। यानी जितने मोल हमारे पास रिएक्टेंट में होंगे, वो जब आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्टेंट मिलेंगे, तो प्रोडक्ट में हमारे पास उतने सेम मोल होंगे, उससे ना ज़्यादा होंगे ना कम होंगे। ये चीज़ें हम किसके अंदर पढ़ते हैं, स्टोक्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो आई होप ये यहाँ तक आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या क्या था हमारे पास, रिएक्टेंट में था मीथेन CH1 मोल ऑफ CH4, मीथेन का वन मोल था, एंड टू मोल्स ऑफ O2, ऑक्सीजन के हमारे पास दो मोल थे, ठीक है। और हम यहाँ पर प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना, ये भले आप लिख लें, आपको फिर बाद में समझने में आसानी होगी। प्रोडक्ट में हमारे पास बना वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एंड टू मोल्स ऑफ वाटर के दो मोल बने, ठीक है। यानी एक मोल हमारे पास रिएक्टेंट में क्या क्या था, वन मोल ऑफ मीथेन CH4 और एंड टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के दो मोल थे, मीथेन का एक मोल था, ठीक है। हमारे पास जो प्रोडक्ट बना, वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू मोल्स ऑफ वाटर, और दो मोल वाटर के बने, यानी जितने तीन मोल इधर थे तो तीन मोल ही टोटल इधर बने, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको ये चीज़ बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अभी एक और हम बात यहाँ सीखते हैं, स्टोक्योमेट्री डिटरमाइन द हाउ मच अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज नीडेड टू फॉर्म द प्रोडक्ट। यानी स्टोक्योमेट्री में हम मालूम करते हैं कि एक प्रोडक्ट बनने के लिए, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें कितनी मिकदार के अंदर रिएक्टेंट की ज़रूरत है। यानी एक प्रोडक्ट हम बनाएंगे तो उस, यानी मिसाल के तौर पर हम 50 ग्राम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसके अंदर भी फिर कितने हमें रिएक्टेंट चाहिए, 50 ग्राम चाहिए। यानी हम इसके अंदर डिटरमाइन करते हैं, मालूम करते हैं कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें रिएक्टेंट की कितनी मिकदार चाहिए। यानी जितना प्रोडक्ट आप बनवाना चाह रहे हो ना, तो रिएक्टेंट भी आपको उतनी मिकदार में देना चाहिए, ठीक है। उसी मिकदार में आपको रिएक्टेंट रिएक्ट करवाने पड़ेंगे, ठीक है। चलो कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जो मतलब केमिकल रिएक्शन की वजह से जो चीज़ हमारे पास बनती है, परफ्यूम्स बनते हैं हमारे पास, सोप यानी साबुन बनते हैं, शैम्पूज बनते हैं, फर्टिलाइज़र बनते हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख दी यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन की वजह से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सपोजिशन, हम कुछ सपोज करते हैं चीज़ें कि मतलब इसके कुछ, मैंने पहले दो रूल लिख लिए हैं इसके, जो इसके लिए मतलब लाजमी होना चाहिए स्टोक्योमेट्री के लिए। सबसे पहली बात ये होनी चाहिए इसके अंदर कि रिएक्टेंट इज़ फुली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, यानी जो हमारा रिएक्टेंट होगा वो मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि आधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है और आधा रिएक्टेंट में ही रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टोक्योमेट्री के अंदर ऐसा हो गया बल्कि रिएक्टेंट इज़ फुली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के अंदर मुकम्मल तौर पर कन्वर्ट होना चाहिए रिएक्टेंट को। उसके अलावा है कि नो साइड प्रोडक्ट इज़ फॉर्म, यानी इसके अंदर कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर हम कोई चीज़ बनवा रहे हैं तो वही चीज़ बने प्रोडक्ट के अंदर, वहाँ कोई और साइड रिएक्शन उसके अंदर ना हो, ठीक है। जो चीज़ हम चाहते हैं वही इसके अंदर बने। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैंने वीडियो को रोक के ये सारा लिख लिया, मैंने मतलब अगर टाइम बच जाए, ऐसे बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, फिर बच्चे लंबी वीडियो को देख के ही भाग जाते हैं। तो ये था फुल इसका कॉन्सेप्ट, स्टोक्योमेट्री का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। तो जो अभी हमारा सेकेंड चैप्टर होगा वो होगा आई थिंक
मोल एंड एवोगैड्रो नंबर्स, ठीक है। हमारे जो सेकंड चैप्टर टॉपिक होगा इसका मोल एंड एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, उसको भी हम वो बहुत डीपली बहुत अच्छे तरीके से उसका एक एक पॉइंट क्लियर कराऊंगा मैं सेकंड टॉपिक का भी आपको, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी, बिल्कुल आसानी थी, बिल्कुल आसान चीज़ें थी जो मैंने आपको आज के लेक्चर के अंदर समझाई। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरी जितनी भी वीडियो सीरीज बाय सीरीज बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की आती जाएंगी, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।